आज हमें प्रूव करना है कि जितना भी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप होगा वो मेरा जो है साइक्लिक होगा। ये साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। साइक्लिक ग्रुप जो है किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है। अब वो हम एलिमेंट मान लेते हैं ए। अगर साइक्लिक ग्रुप ए से जनरेट हो रहा है इसका मतलब इसके अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो ए से रिलेटेड होगा। हम कुछ देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, 1AA² AQ। ठीक, इसमें जो ये जितना एलिमेंट है ये सारा एलिमेंट मेरा ए से जनरेट है। 1 भी A से जनरेट है, कैसे? A^0 तो 1। ठीक, अब जो इस साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप होगा मीन इसी एलिमेंट का कुछ एलिमेंट, ये जो सब ग्रुप होगा ये भी साइक्लिक होगा, ये हमें प्रूव करना है। ये सब ग्रुप भी क्या हो? साइक्लिक हो, ये हमें प्रूव करना है। साइक्लिक कब होगा ये सब ग्रुप? जब ये सब ग्रुप में जितना एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट इस सब ग्रुप के अंदर होगा वो किसी खास टर्म से क्या होना चाहिए? जनरेट होना चाहिए, मीन किसी न किसी खास टर्म से जनरेट होना चाहिए। ओके, अब जो ये मैं सब ग्रुप होगा इसी एलिमेंट, इसमें जो है ग्रुप का ही कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ इसमें ए है, ए क्यू है, A5 है, डॉट डॉट बहुत सारा एलिमेंट है। अब ये या तो ए से जनरेट होगा या तो ए क्यू से, A5 से, और भी बहुत सारा इसमें एलिमेंट है, उसमें से कोई भी एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। तो ये पता नहीं है कि ए क्यू से ही होगा, ए से ही होगा, A^5 से ही होगा, तो हम मान लेंगे किसे? A^K से। K का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर नंबर, 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, कुछ भी हो सकता है K का मान। अब हमें दिखा देना है ये सब ग्रुप जो है मेरा A^K से जनरेट हो रहा है। अगर सब ग्रुप एच है तो हमें एच को किससे जनरेट दिखाना है? A^K से, और हम साइक्लिक ग्रुप को जी मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमको A^K से जनरेट दिखाना है। अच्छा ठीक, हम जो है सब ग्रुप के अंदर कोई भी अपने मन से एक पॉइंट बी मान लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट, मीन अपने स्वेच्छा से अपने मन से एक पॉइंट बी मान लेते हैं। बी का मान कुछ भी हो सकता है। अब जो है हमको बी को किसके बराबर दिखाना है? मीन इसके जनरेटर से, इसके जनरेटर पर कुछ ना कुछ पावर। से इसमें देखो, अगर इसमें हम कोई आर्बिट्री पॉइंट हम सी मान लिए कुछ देर के लिए, इसी ग्रुप का कोई एलिमेंट सी है। ठीक, एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी ग्रुप का कोई एलिमेंट सी है, या तो वो A² होगा या तो AQ होगा। अगर वो A² हुआ, ठीक, तो मेरा A मेरा क्या था? जनरेटर था, साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर A था, तो मैं जनरेटर पे कुछ ना कुछ पावर के रूप में आया। उसी प्रकार यहाँ जो हम बी आर्बिट्रेरी पॉइंट मीन सब ग्रुप का कोई एक पॉइंट लिए हैं, वो A^K से क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, मीन A^K से इस ग्रुप में सारा एलिमेंट मिल रहा है, और इसी एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट हम बी लिए तो A^K के कुछ पावर के रूप में होगा। उस पावर को हम क्यू मान लेते हैं। अगर हम दिखा दें B^A^K का होल क्यू, तो मेरा जो है ये
एच जो है साइक्लिक ग्रुप होगा। अच्छा, इसको दिखाने, इसको कैसे दिखाएंगे? ये मल्टीप्लाई हो सकता है, कुछ देर के लिए ध्यान से समझना, आपको आगे समझने में आसानी हो। जब मैं बनाऊंगा तो आपको आसान लगेगा, इसलिए यहाँ ध्यान देना है। के और क्यू को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं ए पे पावर के क्यू, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको अच्छा से समझने के लिए आपको एक चीज़ और समझना चाहिए, वो क्या? अगर हम m में हम k से भाग दे रहे हैं और भागफल q निकल रहा है, मीन जैसे हम लोग चार में दो से भाग दिए तो भागफल दो निकला, शेषफल जीरो निकलेगा। अगर हम k से m में भाग दिए और भागफल q निकला और शेषफल मेरा जीरो निकल जाए, इसका मतलब क्या है? के एम को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। के जो है एम को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, सही है। जैसे इसमें अगर शेषफल जीरो निकला तो दो जो है चार को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो चार है, ये चार इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, दो दूनी चार। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो m है, ये m इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ये समझना है, यहाँ यूज होगा इस सवाल में। m किसके बराबर हो गया? k और q के गुणनफल के बराबर हो। ओके, देखो इस k q मेरा m के बराबर होगा, यहाँ पे भी k q है, मीन b को हम लिख सकते हैं a पर पावर m के रूप में, ठीक। और एक चीज़ समझो, अगर B मेरा सब ग्रुप में बिलोंग्स कर रहा है B, और सब ग्रुप का टोटल एलिमेंट मेरा ग्रुप में बिलोंग्स कर रहा है, मीन ये जो एलिमेंट है ये ग्रुप का ही एलिमेंट है। अगर B मेरा H में बिलोंग कर रहा है तो B मेरा G में भी बिलोंग करेगा, ठीक। मीन B जो है मेरा कहाँ बिलोंग करेगा? G में भी बिलोंग करेगा। और ये जो है मेरा जी, मेरा किससे जनरेट हो रहा है? ए से जनरेट हो रहा है। तो इस सवाल को बनाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? तो हम ये जो मेरा के है, इस के को हम मानेंगे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब बस आखिरी है, इसको समझो, मैं बनाना स्टार्ट करूँगा, तुरंत बन जाएगा। के को हम मान लेते हैं लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लिस्ट मतलब सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। ये जो के है, जो मेरा मतलब हुआ ए पर पावर जो के यहाँ लिए थे, जिसे एच जनरेट हो रहा है, इसमें के सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, जो कि मेरा बिलोंग कहाँ कर रहा है? एच में बिलोंग कर रहा है। आप समझ रहे होंगे के मेरा क्या है, मैंने के से अब छोटा नहीं हो सकता कुछ, मैंने के ए पर जो पावर दिया गया है के मेरा सबसे छोटा, हम शुरू में ही ये मान लेंगे और हम आगे यहाँ बनाते हैं। अब आपको परेशानी नहीं होगी, चलो माइंड हल्का करो, बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम मान लेते हैं क्या, पहले हम मानेंगे के जो है मेरा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो प्रूफ करना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो अब हम पहले क्या करेंगे, k को लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे और एक k को हम लेंगे। उसके बाद एक मेरा बिलोंग कर गया h में। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। पहले जो जो b आया,
ये बी जो है मेरा, कहाँ हम बिलोंग करवाए थे, इसी सब ग्रुप में बिलोंग किए थे बी को, ठीक। और इस बी को हम एच में बिलोंग किए थे और उससे क्या मान निकाले थे, बी जो है मेरा ए पर पावर एम के बराबर है, वही चीज़ हम यहाँ पे निकालेंगे। बी मेरा एच का एलिमेंट था, अगर बी एच का एलिमेंट है तो बी मेरा जो है जी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि बी एच में बिलोंग कर रहा है तो बी मेरा जी में भी बिलोंग करेगा, और जितना भी जी का एलिमेंट है वो ए से ही जनरेट हो रहा है, इसका मतलब बी भी ए से ही कोई जनरेट किया हुआ एलिमेंट है, ठीक। तो बी को किसके बराबर कर दिए, ए में, और पावर में एम दे दिए, एम का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, ओके। अब हम बी को ए पर पावर एम के रूप में दिखा दिए। अब बात आता है, ध्यान से समझना, अगर एम को के क्यू के बराबर दिखा दे, एम को हमको के क्यू लाना है, एम को के क्यू के बराबर करना है, एम के क्यू के बराबर कब होगा, जब मेरा के जो है एम को पूरा पूरा डिवाइड करे, जब मेरा के एम को पूरा पूरा डिवाइड करे तभी ना एम जो है के क्यू के बराबर होगा। अगर हम एम को के क्यू के बराबर ला देंगे तो इस रूप में आएगा, फिर इसे इस रूप में आएगा, मेरा एच सब ग्रुप दिख जाएगा। तो एम को के क्यू के बराबर लाने के लिए हमको दिखाना होगा कि के एम को डिवाइड करता है, तो हमको क्लेम करना है, वी क्लेम डेट के एम को पूरा पूरा डिवाइड कर दिए। इसको प्रूव करने के लिए हम पहले मान लेंगे कि एम को डिवाइड नहीं कर रही है, अगर ये मेरा माना हुआ गलत प्रूफ हो गया तो मेरा क्या, के एम को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है, तो हम पहले ये मान लेते हैं क्या, के एम को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रही है। जब के एम को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगी, इसका मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे मेरा शेषफल निकल जाएगा, मीन अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है तो मेरा यहाँ कुछ ना कुछ क्या निकल जाएगा, शेषफल निकल जाएगा। अगर मेरा यहाँ शेषफल निकल गया तो शेषफल हमेशा दो से तो छोटा ही होगा ना, शेषफल हमेशा क्या होगा, दो से छोटा होगा और जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। वही बात यहाँ पे, ये आर जो है हमेशा के से छोटा होगा और जीरो से बड़ा और उसके बराबर होगा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, मीन एम बराबर के क्यू प्लस आर, ओके। तो एम जब डिवाइड नहीं कर रहा है तो एम बराबर क्या हो गया, के क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर क्या है मेरा, लेस देन के है, लेस देन इक्वल टू जीरो है। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, ए पर पावर आर का मान निकालेंगे। अब बोलो ए पर पावर आर का मान क्यों निकालोगे आप, हाँ पूछो, क्योंकि यहाँ पर हमको ए पर पावर के मेरा एच में बिलोंग कर रहा है और ए पर पावर के सबसे छोटा एलिमेंट है, के मेरा क्या है, सबसे छोटा है। अगर यहाँ पे हम दिखा दें ए पर पावर आर का मान निकालें और आर का मान दिखा दिए कि ये के से भी छोटा है, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और मेरा ये सही हो जाएगा। अच्छा तो दोनों का प्रोडक्ट भी कहाँ बिलोंग करेगा, हमने क्या किया, आर का मान यहाँ से अकेला किया, एम माइनस के क्यू दोनों को अलग अलग किए, बारी बारी से जो है ए पे पावर एम का मान बी था, बी और ए पे पावर के मेरा एच में बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब है कि ए पे पावर आर भी एच में बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि हमने ग्रुप पढ़ा है अगर ए और बी बिलोंग करता है जी में तो ए का और बी का मल्टीपल भी कहाँ बिलोंग करेगा, जी क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़े थे, ये सब ग्रुप में भी काम करता है, ओके। इसका मतलब ए पे पावर आर मेरा
एच में बिलोंग करेगा, ठीक। जहां पर आर क्या है, ये मेरा के से भी छोटा है, आर मेरा क्या है के से छोटा है और जीरो से बड़ा है उसके बराबर। हमने माना था यहाँ पे शुरू में ही कि के मेरा सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटेजर है, लेकिन यहाँ क्या निकला, आर के से भी छोटा हो गया। इसका मतलब ये मेरा मानना क्या है, गलत। हाँ, यहाँ पर जो है मेरा ये मानना गलत हो गया। क्या मानना गलत हो गया, कि के एम को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करती है, ठीक, क्योंकि के का आर का मान जो है के से छोटा हो गया था। तो मेरा सही हो जाएगा, के जो है एम को पूरा पूरा डिवाइड करती है। जब के एम को पूरा पूरा डिवाइड करेगी तो एम बराबर के क्यू, जब पूरा पूरा डिवाइड करेगी तो हमने पहले किया था एम बराबर के क्यू होगा। जब एम बराबर के क्यू होगा तो एम का मान के क्यू पुट करेंगे, एम का मान के क्यू होगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, बी इक्वल टू ए पावर के का होल क्यू होगा, जहाँ पर बी जो है मेरा कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, मैं अपने मन से पॉइंट लिए थे। इसका मानना, इसका कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो ए पावर के से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरा एच जो है साइक्लिक है, मेरा प्रूव हो गया है।